हैप्पी बर्थडे आराध्या, थैंक यू। के શું લઈ આવ્યા પપ્પા? ગિફ્ટ ગિફ્ટ હે આરાધ્યા ની વાવ, પિંક કલર ની અમારે બ્લુ મોટા બિગ મારી હે આખી ચોકલેટ આરાધ્યા નું રિએક્શન જોવા દે તો ચોકલેટ લાખો લઈ ને આપો હરું મોડું તો દેખાતું નથી તાર આમ જો હર आराध्या ने गिफ्ट आई बर्थडे बर्थडे गिफ्ट है ना वीर हैप्पी बर्थडे नहीं बोल रहा मैं वो आरू वाड़ा सीधा कर बटू अरे बताओ तो तेरी घड़िया बताओ आम इमा क्या है वाह ये कुछ अजी कहीं से चाहिए तो घर मटे ली बापू भाई हाँ माँ आम कौन आपे कौने कौन कौने आपे खबर नहीं पड़ती મારે વેદુ ની ઘડી રહી વેદુ બતાવ તો વેદુ ની આ આમ આવી જાય આમ આવ તું દેખાડો મને ખરા આવી આ વેદુ ની બ્લુ કલર ની ઘડી આ વાવ આ બોટલ કોની છે મારી તારી છે યે આ કોની છે મારી આરાધ્યા ને કઈ જોઈ વ્હાઈટ આ વ્હાઈટ મસ્ત છે બે હા હે વાહ આરાધ્યાની બુક્સ આવી મારી બુક્સ વેરી ગુડ જો આજે આરાધ્યાનો જન્મદિવસ છે મારે મોબાઈલ પીની દીધો આરાધ્યાનો જન્મદિવસ છે હેપી બર્થડે આરાધ્યા હેપી બર્થડે મત કરવાનો થેન્ક યુ કહેવાનો હું કહેવાનો તો એક વાત કરો જરૂર હતી પૈડી જરૂર
મારા કે બોલ બોલ કે જો યુ બેન કોઈ ને કઈ નુકસાની થઈ ગઈ ભલે ફોટો પાડ્યો એમાં બોલતી જાજે માં દીકરી ને તો સમસ્યા હતા હા એ તો ના રાઈસો મારી મમ્મી દે ભાઈ દે મમ્મી દે બધા મમ્મી દે ના મમ્મી રાઈ દે હા આ એ તું મી રાઈ બેટ બેટ યહાં પર હો રહા હે ચાય કા કા चाय पार्टी अब यहाँ पर हो रही है सबकी चाय पार्टी आज मेहमान आए हैं तो सब हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज है 28 जून और पीछे आप देख सकते हैं बहुत बारिश हो रही है और अभी टाइम हुआ है 8:30 का। बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं। वेद को आज थोड़ा नहीं जाना था बारिश की वजह से, लेकिन मना के भेज दिया है स्कूल। और अभी कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो उसका रीज़न और कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एग्ज़ाम थी, प्रीलिम्स मैंने क्लियर कर ली है, मेंस अभी दी है, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, और थोड़ा उसमें ज़्यादा फोकस किया, इसलिए ये वीडियो बनाना डालना अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता था। और दो दिन से बारिश हल्की हल्की हो रही थी, वैसे तो संडे से ही शुरू हो गई थी, सैटरडे संडे से थोड़ी थोड़ी आती थी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं थी। और आज रात से बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश, अभी लग रहा है कि कंटिन्यू करेगी, तो आपको दिखाती हूँ पीछे जो कैसा माहौल है। हमारे यहाँ तो बहुत ग्रीनरी है वलसाड़ में, तो मॉनसून में बहुत ही मज़ा आता है, आप एंजॉय कर सकते हैं, घूमने जाना है या ऐसे ही, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है, ऐसा माहौल है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए आप कितना मतलब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। मैं ये खिड़की से लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ग्रिल लगा हुआ है चारों ओर, तो उसमें से कैमरा बाहर तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ से जितना हो सके उतना मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और बस यही था, अभी तो मॉर्निंग है, सुबह सुबह उठे है, काम सारा बाकी है, बच्चे स्कूल गए हैं, राजा भी आराध्य को छोड़ने गए हैं, अभी आए नहीं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बारिश का दिखा देती हूँ। और हमारे यहाँ इधर इस साइड का व्यू बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इस साइड पूरा खुला है, आपकी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक खुला ही है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चारों ओर बिल्डिंग के पास बिल्डिंग होती है तो घुटन जैसा होता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे खुले हो तो अच्छा लगता है। तो इस साइड का व्यू अच्छा है हमारे, और इस साइड वहाँ अभी थोड़ी कम हुई है रात के मुकाबले, अभी थोड़ी कम है बारिश, बाकी तो रात में तो मतलब इतनी भयंकर आवाज़ आ रही थी, तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय आराध्य ने सेकंड फ्लोर पे है स्कूल, और कल छुट्टी है बकरी की, तो खुशी में सब बच्चे को पता चल गया मेरे को कहा तो सब बकरी की शुभकामनाएं दे दीजिए।
मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बकरीद। हैप्पी बकरीद। और वेद तो बेचारा 8 बजे से चला गया बिना छाता ही। आराध्य को है ना वैसे भी छतरी लेके जाने का मतलब शौक है। क्यों नहीं आए, इनको बीमार।